उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई घटना में मारे गए किसानों के मामले को लेकर ऊना कांग्रेस भी उग्र हो उठी है। आज जिला मुख्यालय के एमसी पार्क के बाहर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकारें अब बेकाबू हो चुकी है और लोगों को कुचलना शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के बेटे की कार ने कितने लोगों को लखीमपुर में रौंद दिया और भाजपा के नेता इस मामले को सौदेबाजी का रूप देने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को कुचलने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए और केंद्रीय राज्य मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सरकारों ने इस मामले पर लीपापोती करने का प्रयास किया तो कांग्रेस उग्र जन आंदोलन खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के हर तरह के हथकंडे का कांग्रेस हर स्तर पर विरोध करेगी, साथ ही में मृतकों और उनके परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो कांग्रेसी समूचे देश में जन आंदोलन खड़ा करने से भी गुरेज नहीं करेगी। जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में किसानों को रौंदा गया है, किसानों की हत्या की गई है, किसानों का नरसंहार हुआ है और ये सत्तारूढ़ दल के इशारे पे नहीं हुआ, सत्तारूढ़ दल के नेता इसमें शामिल हैं, उनके पुत्र उसमें शामिल हैं और वहाँ पे किसान जो कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उन किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई और किसानों की हत्याएं कर दी गई और आज दिन तक प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल से उस मंत्री को बर्खास्त नहीं किया है। हम चाहते हैं कि मंत्री को बर्खास्त किया जाए, उनका बेटा जिसने कि किसानों को रौंदा है, जिसमें कि 8 लोगों की मौत हुई है, उसको जो है हिरासत में लिया जाए और उसके बाद हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी जो कि वहाँ दुख दर्द बांटने जा रही थी किसानों से, उन परिवारों से, और वहाँ पे जो है उनकी इलीगल डिटेंशन की गई, पिछले 2 दिन से वो हिरासत में हैं और बहुत जिस ढंग से बदसलूकी श्रीमती प्रियंका गांधी जी से की गई, जिस ढंग से बदसलूकी हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी से की गई, उन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो भी लोग इस बदसलूकी में शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री आज वहाँ पे अमृत उत्सव मनाने जा रहे हैं और अगर प्रधानमंत्री जी किसानों के हितैषी होते तो वो आज घटनास्थल पे जाते, जहाँ पे ये सारा घटनाक्रम हुआ उस गांव में जाते, उन लोगों से मिलते। लेकिन भाजपा एक सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत किसानों को एलिमिनेट कर रही है। जब किसान की विचारधारा को नहीं मिटाया जा सकता तो वो किसानों को रौंदने पे आ गए हैं, किसानों को मारने पे आ गए हैं और इनके मुख्यमंत्री हरियाणा के खट्टर साहब वो कह रहे हैं कि इकट्ठे हो जाओ, डंडे अपने हाथों में रखो, किसानों को जो है सबक सिखाओ, जेल चले जाओ, जेल चलने के बाद आप नेता बनेंगे। ये इनकी विचारधारा है, इनके मुख्यमंत्री की विचारधारा है। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में किसानों के हक में अब एक मुहिम चलाई जाएगी, एक आंदोलन चलाया जाएगा, बहुत हो गया। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। सत्ता के सेमीफाइनल मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइफ टाइम स्टोरी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव
टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।